नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपन ग्राम विकास अधिकारी का जो सिलेबस कर रहे हैं दोस्तों, इसमें एक टॉपिक अपन पूरा कर चुके हैं, लोक देवता। उसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज लोक देवियाँ पढ़ेंगे। जिस तरीके से चमत्कारिक स्वरूप से लोक देवता प्रसिद्ध हुए थे और जैसे उन्होंने परिचय दिए थे, उसी प्रकार से लोक देवियों का भी राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और पूरे जनमानस में एक अटूट श्रद्धा भी लोक देवियों के प्रति है। तो किस लोक देवी का क्या क्या इतिहास रहा है, उनके बारे में आज अपन दोस्तों चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज अपन दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं, लोक देवियाँ अपन पढ़ रहे हैं और लोक देवियों में सबसे पहले अपन दोस्तों पढ़ते हैं करणी माता। करणी माता, करणी माता पूछ रहे दोस्तों, करणी माता का जन्म स्थान। दोस्तों करणी माता का जो जन्म स्थान है वो है सुआप ग्राम। कौन सा ग्राम है दोस्तों? सुआप ग्राम। जन्म स्थान कहाँ है? सुआप ग्राम। पूछ ले जो करणी माता अपन जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, करणी माता के बचपन का नाम। बचपन का नाम तो दोस्तों बचपन का नाम था रिद्धुबाई। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? रिद्धुबाई। करणी माता अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, जन्म स्थान है सुआप ग्राम, जबकि बचपन का नाम क्या है दोस्तों? रिद्धुबाई। पूछ ले किसका दर्शन करणी माता का दर्शन माना जाता दोस्तों? तो वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखना आप दोस्तों, सफेद चील का दर्शन। सफेद जो चील का दर्शन है दोस्तों वो करणी माता का दर्शन माना जाता है, या करणी माता का रूप माना जाता है। रूप माना जाता है। अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों करणी माता, और पूछ ले कि बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश थे उनकी कुल देवी। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी, बीकानेर के जो राठौड़ राजवंश हैं उन बीकानेर के राठौड़ राजवंश की जो दोस्तों पूछ ले कुल देवी कौन है? करणी माता। लेकिन पूछ ले किस जाति की आराध्य देवी? तो दोस्तों चारण जाति, चारण जाति की आराध्य देवी, आराध्य देवी। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, याद रखना दोस्तों। पूछ ले किसकी कुल देवी है? तो बीकानेर के जो राठौड़ हैं, इन बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, जबकि चारण जाति की कौन सी देवी है दोस्तों? आराध्य देवी। एक इंपॉर्टेंट का याद रखना दोस्तों, करणी माता के आशीर्वाद से ही, करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर नगर की नींव रखी थी, या बीकानेर नगर बसाया था। बीकानेर नगर बसाया था। और एक इंपॉर्टेंट और याद रखना दोस्तों, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है दोस्तों? जोधपुर की नींव भी करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई थी। करणी माता का अपन जो पढ़ रहे हैं दोस्तों, करणी माता का जो मुख्य मंदिर आपसे पूछ ले जाए तो मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? देशनोक। पूछ ले मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर तो इनका जो मुख्य मंदिर है दोस्तों देशनोक। मुख्य मंदिर कहाँ है? देशनोक। देशनोक पूछ ले कहाँ है दोस्तों? तो देशनोक कहाँ है वर्तमान में? बीकानेर। देशनोक बीकानेर। पूछ ले मेला यहीं पर आयोजित होता है, मेला। तो आपको पता दोस्तों मेला होता है नवरात्रों में, दोनों जो नवरात्र होते हैं उन नवरात्रों में मेला आयोजित होता है। यही जो देशनोक का जो मंदिर है इसमें पाए जाते हैं दोस्तों सफ़ेद चूहे, सफ़ेद चूहे। और पूछ ले इन सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये सफ़ेद चूहे कहते हैं, क्या कहलाते हैं? काबा। इसी कारण आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए के चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी कहा जाता है। तो चूहों वाली देवी उपनाम है किसका?
करणी माता को। तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए चूहों वाली देवी कहा जाता है दोस्तों, तो चूहों वाली देवी किसको कहा जाता है, करणी माता को। रह जाएगा याद, सफेद जो चूहे हैं उन सफेद चूहों क्या कहा जाता है दोस्तों, काबा कहा जाता है। यही जो देशनो का जो मंदिर है, इसी मंदिर में दो रखी गई है दोस्तों कड़ाहिया। क्या रखी गई है, कड़ाहिया। और इन कड़ाइयों का नाम पूछ रहे दोस्तों क्या है, तो इन दोनों कड़ाइयों का नाम है सावन भादो। देखो सावन भादो दो महीने भी हैं, दो तालाब भी हैं, दो कड़ाइयों के भी नाम हैं और दो झीलें भी हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पूछ ले ये जो करणी माता का जो मंदिर है, इन करणी माता के मंदिर के पास में किसका मंदिर बना हुआ देशनोग में, तो तमेड़ी राय का मंदिर। किसका मंदिर बना हुआ है दोस्तों, तमेड़ी राय का मंदिर पास में बना हुआ है, पास में बना हुआ है। तो आज ये अपने मोटी मोटी जानकारी प्राप्त किए दोस्तों, किसके बारे में, करणी माता के बारे में। इनके पास में यहाँ पर पूछ ले, जब करणी माता देशनोग आई थी दोस्तों, तो देशनोग में ये अपन देशनोग में जो पढ़ रहे हैं करणी माता देशनोग, पूछ ले सर्वप्रथम किस स्थान पर रही, तो नेहड़ी नामक स्थान पर। सर्वप्रथम नेहड़ी नामक स्थान पर निवास किया था, इसलिए नेहड़ी जो ये क्षेत्र है, जगह है, वो भी वहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है। तो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों करणी माता, करणी माता जो दोस्तों अपन करणी माता के बारे में जो चर्चा की, इनका उपनाम पढ़ लिया अपने, क्या नाम है, चूहों वाली देवी। चूहों वाली देवी जन्म स्थान पूछ ले स्वाप ग्राम, पूछ ले बचपन का नाम क्या था, रिद्धूबाई। सफेद चील का दर्शन करणी माता का रूप माना जाता है। पूछ ले बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी करणी माता, जबकि आराध्य देवी किसकी है दोस्तों, चारण जाति की। करणी माता के आशीर्वाद से राव बीकानेर बीकानेर नगर बसाया, जबकि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव रखी गई है दोस्तों, वो भी किसके आशीर्वाद से रखी गई है, करणी माता के आशीर्वाद से। मुख्य मंदिर पूछ ले कहाँ है, देशनोग। देशनोग कहाँ है, बीकानेर। और इसी देशनोग इसी मंदिर के पास में तमेड़ी राय का मंदिर भी बना हुआ है, क्योंकि तमेड़ी राय का आशीर्वाद माना गया था, या इनके गुरु मानी गई थी तमेड़ी राय। मेला लगता है नवरात्रों में, जबकि सफ़ेद चूहे जो यहाँ पाए जाते हैं उनको कहा जाता है काबा, और यहाँ पर दो कड़ाइयाँ मिली है, उन कड़ाइयों कहा जाता है दोस्तों सावन और भादो। अब ये जो करणी माता के जो मठ के जो पुजारी होते हैं, वो पूछ ले किस जाति के लोग होते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों चारण जाति के लोग। पूछ ले पुजारी, तो पुजारी होते हैं दोस्तों चारण जाति के लोग, चारण जाति के लोग। ये आपने आप मोटी मोटी चर्चा की है दोस्तों किसके बारे में, करणी माता। लिखिए फिर अपन आगे चलते हैं, चले आगे दोस्तों। अब अपन पढ़ते हैं अगली लोक देवी, अपन अगला जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं तन्नोट माता। तन्नोट माता किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, तन्नोट माता। पूछ ले कि मुख्य मंदिर, तो मुख्य मंदिर है दोस्तों तन्नोट। तन्नोट कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर। तन्नोट कहाँ है दोस्तों, जैसलमेर। पूछ ले उपनाम, इनका उपनाम क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ ले कि सैनिकों की कुल देवी, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, या आपसे पूछ ले रुमाली देवी। तो ये सारों किसके उपनाम है, तन्नोट माता के। सैनिकों की कुल देवी, जब भारत और पाकिस्तान के मध्य जब युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस युद्ध के समय जो गोले गिराए थे उनमें से एक भी गोला इन माता के आशीर्वाद से फटा नहीं था, आज भी वहां पर सुरक्षित रखे गए हैं। और इसीलिए इनको कहा गया है सैनिकों की कुल देवी, थार की वैष्णो देवी, क्योंकि थार के मरुस्थल का सबसे बड़ा मंदिर है, इसलिए थार की वैष्णो देवी। और रुमाली देवी, जब यहाँ पर भक्तजन जाते हैं तो दोस्तों वहां रुमाल बांध जाते हैं, इसलिए इनको कहा गया रुमाली देवी। पूछ ले इनके पुजारी कौन होते दोस्तों, तो आपको बताओ बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स होती है बीएसएफ के जवान,
जवान पूछ ले दोस्तों, मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? तो मेला आयोजित होता है दोस्तों नवरात्रों में। मेला कब आयोजित होता है दोस्तों? नवरात्रों में। ये अपने चर्चा किए किसके बारे में? तन्नोट माता के बारे में। तो मुख्य मंदिर तन्नोट जैसलमेर, उपनाम सैनिकों की कुल देवी, थार की वैष्णो देवी या रुमाली देवी, पुजारी बीएसएफ के जवान, और मेला लगता है दोस्तों कहाँ पर? नवरात्रा में। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों आई माता। अगली जो अपन चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो पढ़ते हैं आई माता के बारे में। आई माता, आई माता का क्या इतिहास है दोस्तों? तो आप याद रखना, सर्वप्रथम पढ़ते हैं मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर पूछ ले मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो मुख्य मंदिर है बिलाड़ा, और बिलाड़ा कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। पूछ ले मुख्य मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में, रह जाएगा याद। पूछ ले आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा। बिलाड़ा कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। पूछ ले किसकी शिष्या? तो बाबा रामदेव जी की शिष्या, बाबा रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है। कौन दोस्तों? आई माता। पूछ ले किस जाति की कुल देवी? तो ये दोस्तों सीरवी जाति, सीरवी जाति की कुल देवी। किस जाति की कुल देवी दोस्तों? तो सीरवी जाति की कुल देवी। रह जाएगा दोस्तों याद, यहां पर जो मंदिर है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? दरगाह। जबकि जो थान है, थान को बढ़ेर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, कि आई माता के मंदिर को क्या कहा गया है? दरगाह। जबकि थान को क्या कहा जाता है दोस्तों? बढ़ेर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके जो पुजारी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है याद रखना, पूछ ले कि पुजारी, तो आई माता के जो पुजारी होते हैं वो होते हैं सिंधी जाति के मुसलमान। सिंधी जाति के मुसलमान जो लोग होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले किस माता के मंदिर में छत से केसर टपकता है? तो केसर वास्तव में कोई केसर नहीं टपकता है, बल्कि वो जो 2400 घंटे जो लो जलती है, और लो जब छत पे जाकर वापस वो जो गिरती है उसको बोला जाता है केसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों, आई माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में छत से केसर टपकती है। पूछ ले किस माता जी के मंदिर में छत से केसर टपकती है दोस्तों? तो आई माता के। ये अपने दो चर्चा किए दोस्तों, ये अपने चर्चा किए तन्नोट और आई माता के बारे में। लिखिएगा फिर अपन आगे चलते हैं। चले आगे दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं दोस्तों जीण माता। अब अपन किसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों? जीण माता। जीण माता पूछ ले जीण माता का मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? रेवासा ग्राम। और रेवासा ग्राम कहाँ है दोस्तों? सीकर में। रेवासा ग्राम कहाँ है? सीकर में। पूछ ले मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर। तो दोस्तों मुख्य मंदिर है रेवासा ग्राम सीकर। रेवासा ग्राम सीकर में मुख्य मंदिर कहाँ है? रेवासा ग्राम सीकर। पूछ ले कि मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, तो मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों राजा हट्टड़ ने। मंदिर का निर्माण करने वाला कौन था दोस्तों? राजा हट्टड़। जगह याद, मुख्य मंदिर कहाँ? रेवासा ग्राम सीकर। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा हट्टड़ ने। पूछ लिया जाए दोस्तों किस जाति की आराध्य देवी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अजमेर के चौहान राजवंश की, अजमेर के चौहान राजवंश की आराध्य देवी।
अजमेर का जो चौहान राजवंश है उनकी क्या है दोस्तों, आराध्य देवी। पूछ ले वेरी इंपॉर्टेंट, किस कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा गीत है दोस्तों, तो जो गीत सबसे लंबा गीत है वो किसका है, जीण माता का। वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए दोस्तों, जीण माता का गीत, जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है, सबसे लंबा गीत है। यहां पर जो मुख्य मंदिर बना हुआ है दोस्तों, रेवासा ग्राम सीकर, यहीं पर इनका भाई है, उनका नाम था दोस्तों हर्षनाथ। तो यहां पर भी एक और भी मंदिर बना हुआ इनके पास में, कौन सा मंदिर दोस्तों, हर्षनाथ का मंदिर। पूछ ले जाए दोस्तों, इनके मेला कब आयोजित होता है दोस्तों, मेला, तो मेला आयोजित होता है दोस्तों चैत्र व आश्विन नवरात्रों में। चैत्र व आश्विन जो नवरात्र होते हैं दोस्तों, चैत्र व आश्विन उन नवरात्रों में इनका मेला आयोजित होता है। और मेलों में मुख्यतः यदि कोई तिथि पूछ ले जाए दोस्तों, तो ये होता है शुक्ल नवमी को, शुक्ल नवमी को। तो ये अपने जो चर्चा की है दोस्तों, ये किसके बारे में अपन ने चर्चा की है, जीण माता के बारे में। पूछ ले मुख्य मंदिर कहाँ है, रेवासा ग्राम सीकर, इन्हीं के पास में बना हुआ है हर्षनाथ का मंदिर, निर्माण करवाया था दोस्तों राजा हट्टर ने। किस राजवंश की आराध्य देवी है, तो चौहान राजवंश की आराध्य देवी है। जीण माता गीत सबसे लंबा गीत है और मेला लगता है दोस्तों चैत्र व आश्विन नवरात्रों में, मुख्यतः कब है, शुक्ल नवमी को। अब अपन करते हैं दोस्तों चर्चा केला देवी, केला देवी, केला देवी के बारे में पढ़े दोस्तों। पूछ ले कि मुख्य मंदिर, मुख्य मंदिर दोस्तों, तो मुख्य मंदिर कहाँ है दोस्तों, त्रिकुट पर्वत पर करौली, कौन सी पर्वत पर है दोस्तों, त्रिकुट पर्वत पर करौली में। पूछ ले ये किसकी कुल देवी दोस्तों, तो जो केला देवी है वो करौली के यादव वंश की कुल देवी, करौली के यादव वंश की कुल देवी। पूछ ले कौन से गीत गाए जाते हैं दोस्तों, गीत, तो यहां पर गाए जाते हैं दोस्तों लांगुरिया गीत, लांगुरिया गीत। वास्तविक रूप से ये देखा जाए तो दोस्तों जो करौली में ये जो त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, इन्हीं के पास एक हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के आपको बताओ वानर सेना होती है, तो वानर सेना में जब यहाँ पर वहाँ जो वानर होते हैं उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं लांगुरिया गीत, वो उन्हीं गीतों को माना गया है, ये केला देवी के गीत हैं। जबकि पूछ ले कि मेला कब भरता है दोस्तों, तो यहाँ पर पूछ ले कि मेला, तो मेला भरता है दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मेला कब भरता है दोस्तों, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अपने मुख्य मंदिर पढ़ा था दोस्तों त्रिकुट पर्वत पर, तो ये जो मुख्य मंदिर है इनके सामने एक छतरी बनी हुई है, वो आप याद रखना, बोहरा जी की छतरी, बोहरा जी की छतरी। पूछ ले केला देवी के मंदिर के सामने किन की छतरी बनी हुई है दोस्तों, तो बोहरा देवी की, बोहरा जी की छतरी बनी हुई है। ये अपने आज लोक देवियों के बारे में चर्चा की है दोस्तों। अपने अभी पढ़ा है जीण माता, उसके बाद अपने पढ़ा है केला देवी, इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और कल अन्य लोक देवियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बने रहिएगा साथ में, अभ्यास करते रहिएगा दोस्तों, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करना दोस्तों, ताकि अपना भी उत्साहवर्धन बढ़ता रहेगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ भी मिल सकेगा। धन्यवाद।